हम कैंपिंग करेंगे यहाँ पे। एक प्यारा सा स्पॉट मुझे यहाँ पे मिला हुआ है, ये वही स्पॉट है जहाँ से मैंने कैंपिंग की शुरुआत करी थी, तो आज मैं उसी पॉइंट पे आज आया हूँ। तो कमनाक का प्लान तो हमारा कैंसिल हो गया यार, आपने देखा ही होगा कि रोड पूरी तरह से बंद है। लोकेशन देखो यार, एकदम से मस्त है एकदम। तो अभी अभी टेंट भी हमने तैयार कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हो, और ये देखो यार आसपास की ब्यूटी चेक करो गाइस, हर कुछ मौसम है यार, मतलब अमेजिंग। बारिश भी अब ख़त्म हो चुकी है और धूप निकली हुई थी थोड़ी देर के लिए, और शाम हो चुकी है अब धूप भी चला गई है। सारा सामान मैंने अंदर रख दिया है, शेर बाद थोड़ी देर में विश्राम करूंगा। ये बन रही है कॉफी, कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा है कसम से। खुद चेक करो गाइस, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसे मौसम में कॉफी पीने का अलग ही मजा है। तो अच्छा लगा यहाँ पे फिर से आके। तो मैंने टेंट ना एक ऐसी जगह पे लगाया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो पेड़ दूर है और आसपास नज़दीक नज़दीक पेड़ नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये है, होता क्या है ना कि अगर पास आप पेड़ के नीचे लगाते हो टेंट को ना, तो आजकल मानसून का मौसम आपको पता ही होगा कि तूफ़ान वगैरह कितना चलता रहता है, बारिश चलती रहती है, हो सकता है यहाँ पे टहनियाँ गिर जाएँ ऊपर से और यहाँ पे आपके टेंट को नुकसान पहुँच सके, टेंट तो छोड़ो आपको भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए पेड़ से ना हमेशा दूरी लगाना चाहिए टेंट, अगर ऐसा वैसा मौसम हो, मानसून का मौसम हो या तूफान चल रहा हो जिन दिनों, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो, ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा सामान है और जो कि मैंने इस तरीके से कुछ रखा हुआ है, ये देखो मेरा टेंट। और अभी ना सबसे पहले सब्जी काटेंगे हम, सब्जी में हम स्पेशल बना रहे हैं आज कुछ, प्याज के जो बाहर वाले छिलके होते हैं वो हमने निकाल दिए, अब ना हम इसके पीस करेंगे, आधा कट मारेंगे
आधे से थोड़ा सा ज़्यादा एक इस साइड से और एक इस साइड से, मतलब 70-75% अपने कट मार दिया इसमें। और ऐसे हम सभी को मारेंगे। बहुत स्वादिष्ट बनती है गाइस ये डिश। थोड़ा सा लाल हो गया है, इसको हम निकाल रहे हैं। देखो कैसा फ्लावर बन चुका है इसका। तो जैसे कि गाइस आपने देखा कि मैंने ना प्याज भी इसको मैंने फ्राई करा हुआ है, और तड़के के लिए मैंने प्याज काट के रखा है, और अब ना हम इसे तड़का लगाएंगे। बहुत प्यारी डिश बनती है यार कसम से ना, मैंने पहले भी खाई रखी है ये डिश, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारी डिश बनती है। तो इसमें हमने डाला है जीरा और धनिया डाला है, और फिर हमने प्याज डाल दिया इसमें, और इसे लौंग डाले हैं, हल्की सी दो चार दाने काली मिर्च के, क्योंकि मैं सिंगल बंदे के लिए बना रहा हूँ, अपने आप के लिए बना रहा हूँ इसलिए। अब ना हम इसके ऊपर टमाटर डालेंगे। टमाटर का क्या है कि ना इसको आधा आधा पीस करके अगर ऐसे डालेंगे ना, तो इसकी जो ऊपर वाली परत होती है, जो इसके बाहर के छिलके बोल सकते हैं, वो ना इससे अलग हो जाते हैं, और वो करना भी ज़रूरी है क्योंकि वो ना हानिकारक होते हैं शरीर के लिए। ये चीज़ मैंने अपने बड़े भाई से सीखी है, जो अपने ब्लॉग देखा ही होगा। तो इसके छिलके हम ऐड करेंगे। आज हमने धीमी रख दी है, अब भी पक चुकी है, और अब ना इसमें हम टमाटर डालेंगे, जिसके कि छिलके हमने पहले ही निकाल दिए हैं। तो अब हमारी ग्रेवी तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज को। जो कि हमने पहले ही फ्राई कर रखा है, अभी हल्का सा नमक इसमें और डालेंगे हम। तो 5 मिनट हमने इसको पकाया हुआ है, और अभी देख सकते हो आप। तो हमारी सब्जी तैयार है,
5 मिनट पकाने के बाद हमारी सब्ज़ी कुछ इस तरीके से दिख रही है। गैस खाने का टाइम हो चुका है, भूख भी बहुत लगी है। टाइम हो चुका है 10 बजने वाले हैं, 9:45 हो गए, 9:45। तो अभी ना फटाफट से खाते हैं यार। ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है सब्ज़ी, तो खाने के बाद ही पता लगेगा कि कैसी बनी है। वाह यार, मतलब क्या ही स्वाद है, कसम से क्या ही स्वाद है। गैस इस डिश को ना आप एक ना एक बार जरूर ट्राई करना इस डिश को, तो फिर देखना, फिर बताना मुझे कैसी बनी है। आप तो अभी तो सोचेंगे कि पता नहीं क्या ही बोल रहा होगा, अच्छी बनाई है, ये जर्सी बनी हो, क्या पता लगता है। बट सीरियसली गैस, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। ये खुद खाना बना के खाना ना, कहते ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो वही मेहनत करके अगर किसी कोई चीज़ बनाता है ना, तो स्वाद भी उतना ही आता है। सुपर्ब। चेक करो गाइस, ये ना कच्चा, अंदर से कच्चा रह रहा है और ना इसका स्वाद क्रंची जैसा आ रहा है। थोड़ा सा कच्चा रहता है बीच से ना, जो बीच बीच का होता है उसका स्वाद क्या ही आ रहा है। मतलब अब ना मस्त सोएंगे, कंबल बना दिए, इसकी पूरी रजाई बना दी है। तो यार अभी बढ़िया से सो जाते ना। टाइम 10 बज चुके हैं, पूरे 10 हो चुके हैं, तो आज टाइमली मैं फ्री हो गया, नहीं तो ना 11, 12 बज जाते हैं खाना बनाने में। खाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियोस बनाने में।
सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो यार मतलब मूड अपसेट हो गया है क्योंकि कमनाग ना पहुंच पाया मैं। कभी ना कभी जरूर जाऊंगा कमनाग, और कमनाग का ब्लॉग फिर से ले आऊँगा मैं एक बार। तो अभी ना टेंट वेंट कर देते हैं क्लोज़ और निकलते हैं यहाँ से। और अभी अभी यहाँ पे अभी आए हुए हैं, तो अभी हम ना सामान सुमान सारा कुछ पैक वूक करके रवाना हो जाएंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बाय बाय, थैंक यू, लव यू।